الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى هر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کی ریائی و بڑائی بزرگی و برتری اس وعدہ اللہ شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا سجاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دارفانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرتے ہی یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں سیدھی راہ نکلانے کے لیے صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے بے شمار انبیاء کرم اس دنیا پر بھیجے ان میں سے ہمارے آخری نبی آخری کڑی پر بے شمار درود و سلام کا پھول نچھاور ہو آمین اللہم صلی علی و بارک محترم حاضرین نوجوانان کرام عزیزان گرامی پردہ نشین خواتین اسلام آج کی اس خطبہ جمعہ میں جو میرا موضوع سخن ہے وہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے انسان دنیاوی زندگی کے اندر جو بھی حرکت کر رہا ہے چاہے وہ عوام میں ظاہر ہو کر کرے یا تنہائی میں چھپ کر کرے یا کسی اور جگہ میں جا کر کے کوئی بھی حرکت کرے اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات اچھی طرح سے بیٹھا لینی چاہیے کہ ہماری ہر حرکت اللہ رب العالمین کے وہاں ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الانفطار کے اندر
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की वजाहत कर दी कि हमने तुम्हारे इन हरकतों को नोट करने के लिए फरिश्ते को मुतय्यन कर दिया है। किरामत कातिबी नोट करते हैं। दुनियावी इतबार से हम जो भी काम अंजाम दे रहे हैं, अच्छे हो या बुरे, या दीन के कोई भी नेक काम कर रहे हैं, हर चीज को अल्लाह देख रहा है। और इससे कबल हमारे दिल और दिमाग के अंदर ये बात भी हमें जहन नशीन हो जानी चाहिए कि हम जो काम अंजाम दे रहे हैं, चाहे ये काम दुनिया वाले हमें देखे या ना देखे, दुनिया वालों के नजर में हमें कोई शोहरत या इज्जत ना हो, ऐसे अगर कोई नीयत और जज्बा लेकर के अगर काम करता है तो उसके दिल के अंदर क्या खटकती है, ये खटक भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। और पुराने मजीद के अंदर बेशुमार आयतें इस बारे में हैं, इंसान के करतूत, उनकी कालेपन, उनके हरकत। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये सारी बात इस बात पर बयान दलील है कि हमारे दिलो दिमाग के अंदर ये जहन नशी होनी चाहिए कि अल्लाह देख रहा है। तो आइए देखते हैं एक करके क्या क्या हरकतें हमारे अल्लाह देख रहा है, और आज हम इन हरकतों पर मुलविस हैं। हम अच्छे भी काम करते हैं या बुरे भी करें, लेकिन इंसान जो इंसान होता है, मोमिन जो मोमिन होता है, जो नेक होता है, वो अच्छे का जिक्र नहीं करता, या किसी के हम ऐब या खामियां या बुराई को हम जाने तभी वो मोमिन उनके बारे में उन चीजों की वजाहत नहीं करता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अल्लाह के नबी की साफ सुथरी हदीस है कि हम दुनिया में एतबार से अगर किसी के हम ऐब या पर्दापोशी कर दें उनकी, तो कल मैदान मशर में के अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी पर्दापोशी करेगा। आज ये सिफतें नहीं दुनिया के अंदर, भले हम बचे हुए दूसरा कोई जलील हो रहे हैं, हम उनको नीलाम कर रहे हैं, हम उनके बारे में अपने जबान से दूसरों के सामने बयान कर रहे हैं, और बयान करने वाला भी ये नहीं सोचता कि हमारे जबान से जो बात निकलती है ये रिकॉर्ड किया जाए। अब सूरह काफ का मुताला करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर क्या इलाही अल्फाज में तज़किरा किया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीम। ऐ मेरे बंदो, जो तुम्हारी जबान से बोली निकलती है, जो अल्फाज निकलते हैं, उसी भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी इंसान की जबान से अगर किसी के लिए कोई अच्छी अल्फाज निकल रहे हो, या किसी के हम कोई खामियां दूसरों के सामने भी बयान कर रहे हैं, या हम एक दूसरों की कीमत कर रहे हैं, या उनकी बुराई कर रहे हैं, या एक दूसरों से हम चापलूसी करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, हमारे जबान से जो जो शब्द निकलती है, जो अल्फाज और बोली निकलती है, इसे भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये रिकॉर्ड करने वाले कौन है, सूरतुल इन्फितार के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ लफ्जों में वजाहत कर दी, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। ये जो फरिश्ते जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे काने पर मुतय्यन करके रखे हैं, इसे किरामन कातिबीन करते हैं। ऐ मेरे बंदो, तुम नहीं जानते, यअलमून मा तफअलून, जो तुम काम करते हो दुनिया के अंदर तुम नहीं जानते, चीज में रिकॉर्ड किया जा रहा है। हम अपने रास्ते में निकल के जाते हैं, हमारे निगाहें कहीं और दिखती है, और हम अपने दिल के अंदर कोई अच्छी नीयत लेकर के देख रहे हैं, या क्या खटक पैदा हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आंखों की चोरी को भी जानता है। कुरान मजीद चीखती हुई ऐलान करती है, यअलमु ख़ाइनतल अय्न मा फ़ी तुख़फ़ी सुदूर। ऐ मेरे बंदो, जब तुम अपने घरों से बाहर तुम निकल करके जाते हो, और जब तुम्हारी आंखें कहीं और टिकती है, तुम किस नीयत से तुम उस तरफ देख रहे हो,
इतनाज के अंदर तुमने क्या समझ लिया है, ये सोच भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, अल्लाह देख रहा है। आज ये सोच नहीं, आज इंसान दुनियावी जिंदगी के अंदर कोई अगर अच्छा कमा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नहीं पूछते कि उस पर जलन है, पता नहीं इनके घर के होने रोटियां कहां से, ये भी महंगाई कितने दौरे बड़े ठाट पाट से घूम रहे। अब ये इंसान की जबान से कोई अच्छी अल्फाज, कोई अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे उनके लिए, कोई दुआ नहीं निकलेंगे कि चलो कि अल्लाह उसे अच्छा रखे, तो चलो अल्लाह आबाद करे, उनके और तरक्की दे। ये अल्फाज आज दुनिया में नहीं निकलते। क्या निकालेंगे, कैसे उसको नीचे उतारा जाए, कैसे उनकी खाल खींच करके मुआशरे में लोगों के सामने जलील किया जाए, ऐसे ऐसे शब्द आज इंसान की जबान से। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि रिकॉर्ड कहना जरा सोचो, ये एक दूसरे के बारे में कहने से, एक दूसरे की खामियां बयान करने से इस सारी चीज का, आइए इन तीनों आयतों को सामने रखते हैं। मदीना मनवरा की तारीखी वाकया आपके सामने जिक्र करते हैं, शायद हो सके आज इंसान दुनिया में कोई नेकी का काम करता है, मसलन अल्लाह के घर का हो, मदरसे का हो, या कहीं और गरीब बेवा जितनी लाचार के, तो आज हम क्या करते हैं उनको तफसीर किया कर करते हैं, फिर वीडियो कैमरा बना लेते हैं, ज्यादा फोटो करके उसको तफसीर करते वक्त खींच लेते हैं। अब वो गरीब बेचारा उस गेंदे के सामने आ जाता है, मजबूर है अल्पीश से कि सामने वाला को उसको व्हाट्सएप पर हर जगह भेज देते हैं ताकि लोग देखें कि हाँ ये काम कर रहा है। अब इसकी नीयत में क्या है, ये भेजने वाला जाने या फोटो खींचने वाला जाने और रब जाने, कोई इंसान किसी की नीयत में नहीं दाखिल होगा। लेकिन आइए, अल्लाह देख रहा है, मदीने मनवरा के अंदर एक ऐसा नौजवान था, तारीख की किताब में उनका नाम कोई वारिस नहीं, क्योंकि नौजवान है, लिखने वालों ने उनका नाम भी नकल नहीं किया है, सिर्फ नौजवान का जुमला लिखा है। इससे आप पता लगा ले कि वो कितना दीनदार था, कितना तकवा वाला था। जब वो नौजवान के अखलाक और मियार ये हुआ करते थे, एक यतीम या तो बेवा के घरानों में हर महीने का राशन बोरी भर करके भेज दिया करता था। सुबह होती वो बेवा अपने घर के दरवाजा खोलते, देखते कि पूरे महीने का राशन रखा हुआ है। गौर करे मेरे भाइयों, उसे मालूम भी नहीं है कि किसने लाया है, और बोरी पेट भरा हुआ सामान मिला रख लेते हैं। महल में होती आज किसी घर में अगर रखा मिल जाए रात में, तो सुबह होते पूरे महल में हंगामा, अजीब और गरीब बात है, ये तो जाहिर से लोग चर्चे तो करेंगे किसने लाया। वापस समझिए कि कोई खैर अल्लाह के बंदा होगा जो अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहता है, वो मेरे घर में पीने का राशन पूछा। ऐसे करके हर महीने खत्म होते, जब वो महीने की शुरुआत होती तो उनके घर में राशन मिल जाया करता। एक दिन उसी मदीने मनवरा के अंदर वो नौजवान का जब इंतकाल कर दिया जाता है, और जब गुसल देने का जब वक्त होता है, जब उनको नहला रहे, उनके पेट के अंदर बोरियों के निशान पड़ी हुई है, लकीरें पड़ी हुई है, समझने वालों ने समझ गया जो हर महीने का राशन इस बेवा के घर में मिलता था यही नौजवान है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहता तो उसके उस निशान के दाग को मिटा सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस नौजवान के निशान के दाग को मिटाया नहीं, हालांकि उसने अपने इस एक काम को, अल्लाह के रागे देने वाले काम को, अल्लाह की इस रजा की खुशनुदी के लिए वो नौजवान एक दूसरों के पास जाकर के तस्करा नहीं करता है, वो जिक्र नहीं करता है, अरे मैंने तो इतना बोरी सामान मैं उनको दे दिया, मैं एक बेवा के लिए मैंने इतना खर्च कर दिया, वो तस्करा नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नौजवान के दिल को जानता है कि ये मेरा बंदा किस नियत से यहाँ
ताउन कर रहा है या ये मेरे बंदा किस रिया से बेवा के घर में एक खिदमत कर रहा है। अगर इसे मशहूर होना होता, अगर ये अपने आप को इज्जत और शोहरत में आना होता तो अपने जबान से ये जरूर तस्करा करता। उन मुआशरे को मदीने वालों को ये जानकारी अल्लाह रब्बुल आलमीन को देना था, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नौजवान के निशान को नहीं मिटाया। मरने के बाद मशहूर हो गए, जिंदा में नहीं हुए। आज ईमानदारी से बताइए, हम अल्लाह के घर के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के घरों में या उन इदारों में उन मदरसों में जब हम किसी चीज के लिए ताउन करते हैं तो घंटों घंटा तो चाह बंदा शब्द लगाते हैं बेवकूफ लोग कि एक साल में एक ही बार आना है, अगर 10 दिन अगर कम हो गए तो नहीं, साल तेरी पूरी नहीं हुई अभी, 10 दिन तो बाकी है जनवरी में, तुमने इतना पढ़ लिखा कि साल अभी पूरी नहीं, तुम्हें जनवरी ही में आना। गौर कर रहे, अल्लाह देख रहा है, मौजूद याद रखे। ये नौजवान वहां पहुंचा रहे, घर वालों को मालूम नहीं है, मरने के बाद अल्लाह मशहूर करेंगे खुद, यह साल का डेट लिख रहा है, ये पागल नहीं जानते, ये नादान किसी के लोग नहीं जानते। अरे तुम अपने जीव से दे रहे हो, देने वाले दे रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए दे रहे हैं, अल्लाह के घर के लिए दे रहे हैं, अल्लाह के नबी के शहीदाइयों को दीन के बोलबाला इस्लाम के जो निष्ट नाबूद करने में लगे हुए हैं, इन इदारों को जिंदा करने के लिए लोग अपने जेब से 50 और 100 के नोट डालते हैं, और कुछ 15 किस्म के लोग हमारे मुआशरे में होते हैं, कुछ गिरे हुए तबके के लोग हमारे मुआशरे में होते हैं जो उंगलियां करके इदारों को बर्बाद करना चाहता है, इन दीन की मिशन को डुबाना चाहता है, और वो ये शर्त लगाते हैं, अरे हमें तो दीन का इल्म नहीं है, हमें अगर दीन का इल्म होता तो आज हमारे जबान से ये जुमले नहीं निकलते। कहां गए हुए, देने वाले दे रहे, दे रहे, लेने वाले लेके जा रहे, वो खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, अपने पेट में भर रहे हैं, देने वालों को सवाब तो है, अब लेने वाला अगर खा रहा है तो जहन्नम के अंगार खा रहा, देने वाले को सवाब मिलेगी। ऐसी कोई हदीसें नहीं मिलेगी कि कोई अगर आए हमारे पास हाथ फैलाए और सारी चीज के सबूते पेश करे हम ठोकर मार देंगे। आज हमारे मुआशरे में से चला अल्लाह देख रहा है, ये सोच किसी के दिमाग में नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह देख रहा है, हम किस नियत से इनको दे रहे हैं वो अल्लाह देख रहा है, हमारी दिल में क्या नियत जागी वो अल्लाह जान रहा है, दुनिया वाले नहीं जान रहे। दिन की खटक आज कहां गए मोहम्मद मुस्तफा, मदीने मुनव्वरा के उस नौजवान से सीखो जो पूरी जिंदगी उस बेवा के घर में खिदमत करता रहा, एक महीने का राशन पहुंचाता रहा, कभी उसने तहकीकें नहीं की कि तुम ये खुद खा रहे हो या कहीं और दे रहे, देने वाले दे तो रहे। आज इल्म की कमी है मेरे भाई, इसलिए आज हम पर अल्लाह की कहर पड़ रही है, तरह तरह की पाबंदियां लग रहे हैं। मैं उस तरह जाना नहीं चाहता, सिर्फ आपको अपनी आंखें खोलना चाहता कि कोई भी काम करो, कोई भी दीन के लिए करो तो ये नीयत रख के, ये सोच रख के कि अल्लाह देख रहा है, बस दुनिया वाले खाए चाहे पिए चाहे कुछ भी करे हमें इसके अंदर मिलेगी। आपको एक तारीख बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में सिरत इब्ने हिशाम के अंदर इस राइटर में लिखा है, सिरत इब्ने हिशाम का मुताला करो, अल्लाह के नबी के घरों में 15 दिन से चूल्हा तक नहीं जलाता। आपने सुना होगा 15 दिन तक चूल्हा नहीं जलाए, लेकिन आपके ईमान को ताजा करने के लिए यह बात यह बताना चाह रहा हूं, मां ऐसा सोचती है कि आज बैतुल माल में तकसीम हो रहे हैं, इस वाक्य से हमें यह इल्म होता है कि उस जमाने में बैतुल माल से भी जब तकसीम होते थे तो जो उनके जिम्मेदार होते थे वो भी अपने घरों में कुछ राशन मिलता था। तो आयशा क्या सोचती है कि आज हमारे घरों में खाना पकेंगे, अल्लाह के नबी लेके आएंगे
अल्लाह के नबी दो हाथ में दो थैलियों में भरे हुए अनाज लेके आ रहे हैं, दो तरफ से दो बच्चों ने पकड़ लेते हैं। तारीख के अंदर लिखा है, एक बच्चा कहता है कि अल्लाह के नबी मेरा दुनिया में कोई बाप नहीं है, मैं बेसहारा हूं, मैं यतीम हूं। अल्लाह के नबी एक थैली उसको दे देते हैं। दूसरा बच्चा कहता है कि अल्लाह के नबी मेरी माँ नहीं है, कई दिन से मैं भूखा हूँ। अल्लाह के नबी दूसरा थैली भी उसे पकड़ा देते हैं और दोनों बच्चे लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह के नबी अपने आंखों से मंजर देख रहे हैं। बच्चे जब तक अल्लाह के नबी की आंखों से ओझल नहीं हो गए। तारीख की किताब में लिखा है एक बच्चा का उम्र था 13 साल तो एक का उम्र था 14 साल। अल्लाह के नबी अपने आंखों से देख रहे हैं। देखने के बाद जब आप अपने घर के अंदर दाखिल हुए, आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा घर के दरवाजा खोलती है, सोचती है कि आज मेरे सरताज मेरे घर में अनाज लेकर के आया है, आज 15 दिन के बाद नबी के घर में भी चूल्हा जलेगा, आज भी हमें पकवान नसीब होगी। आयशा देखते कि अल्लाह के नबी जैसे गए थे वैसे वापस आ गए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ उस नबी पर जिस नबी ने हमें देने का तरीका सिखाया है, जिस नबी ने अपना ना खा करके दूसरों को दे दिया है। आज हम उस नबी के पैर के धूल की बराबर तो नहीं हो सकते, तो उस नबी की इताअत तो जरूर कर सकते हैं, उस नबी के सैदाई तो बनकर के अपने जेब से 50 और 100 के नोट तक उन मदरसों उन इदारों में दे सकते हैं। आज ये भी हम देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आयशा कहती है ऐ अल्लाह के नबी क्या हुआ, हाथ आपके खाली है। कहा कि आयशा एक बच्चे ने कहा कि बाप नहीं, एक बच्चे ने कहा कि माँ नहीं, आयशा मैंने उनको दे दिया। अल्लाह के नबी से आयशा कहती है अल्लाह के नबी हम इनकार क्या कर रहे हैं कि आपने उनको दे दिया है, आपने तो बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन अल्लाह के नबी एक मुट्ठी करके अगर दो थैलियों से आपने दो मुट्ठी रख लिया होता एक वक्त का खाना नसीब हो जाता। आयशा से अल्लाह के नबी कहते हैं ऐ आयशा तुम क्या जानो कि गरीबी का दर्द क्या होता है, तुम क्या जानो कि यतीमी का दर्द क्या होता है। मैं यतीम था, मैं अपने बाप के माँ के पेट में था और मेरा बाप ये दुनिया से रुखसत हो चुके थे। जब मैं पैदा हुआ मैं यतीम था और जबकि मैं 6 साल की उम्र में हुआ मकाम अबुआ के पास मेरी माँ भी इंतकाल कर गए। यतीमी का दर्द मुझे मालूम है, यतीम का दर्द मुझे मालूम है। तुम क्या जानो कि यतीम के दर्द क्या होता है, तुम क्या जानो कि बेवा के दर्द क्या होता है। और आज हमारे मुआशरे की नादान किस्म के पागल और मैं याद करूँ कि हक दर्जे की गिरे हुए तबके के अगर किसी की ओहदे मिल जाए, ये पागल लोग जब उन मदरसे के मुचंदी मुसाफिर जब आते हैं उन यतीम बच्चों के लिए भीख मांगने के लिए, उन मदरसों में पढ़ने वाले उन बच्चों के लिए कुछ अनाज के इंतजाम करने के लिए, ये पागल वहाँ घंटों भर की जांच पड़ताल कर लेते हैं और यहाँ तक के वापस भी कर देते हैं। अभी तुम्हारा 1 साल नहीं हुआ है, 6 दिन तो बाकी है, 12 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है। ये पागल उन यतीम और मिस्कीन और बेवा बच्चों के हक को मार, ऐसे है इंडिया चल रहे हैं। ये बात ही मेरे कैमरा में कई क्या जा रहा है, फैलेंगे दिले के बाद बताइए कौन सी गलत है। देने वाले देंगे, हमें क्या जो शब्द लगा रहे, हम किसी के दिल में घुसने गए हैं नहीं, समझते नहीं, खा रहे अपने पेट में भर रहे बेटा। अरे पागल वगैरह खा भी रहे भर दे सवाब तो तुझे मिल रहा। कोई माँ के लाल ऐसे हदीस तो पेश कर दे आकर के, जब कोई मांगने वाला आए तो उसे ना दे, कोई नहीं देगा, कोई मुल्की फतवा भी नहीं दे सकता, अगर वो दे तो उससे बड़ा जालिम हो नहीं सकता। क्योंकि ऐसे शहर सत्ता के सारे अंदर खंगाट डालो ऐसी कोई हदीसे नहीं मिली। ये इंसान की बनाया हुआ खोपड़ी है जो उनके दिमाग में शैतानी हरकत भरे हुए हैं
तो उल्टी उल्टी हरकतें मुआशरे में करके अपने जमात के अपने मुआशरे के मुसलमान होने का और नबी के शेदाई बनने के धब्बा व दाग लगा रहे हैं और कहते हैं कि हम नबी के शेदाई। बताइए 15 दिन से नबी घर में चूल्हा नहीं जला, नबी ने उसको दे दिया। क्यों दिए? उसे दर्द मालूम है यतीम का। उस नबी ने सिखलाया कि जो नबी अपना ना खा करके उसको हिबा करता है, उस नबी की उम्मती है तो हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए। आज हम अल्लाह के घर में आते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर इंडिया में आप फिर देखोगे मसाजिदों के हाल जो नजर आते हैं, मेरा फिरा हुआ है तजुर्बा है मुझे इस बात की, जब टक्की को छोड़ नहीं बोल सकता हूं। लोग जब अल्लाह के घर में जब डालते हैं, होते हैं मस्जिदों के अंदर खर्चे निकालने के लिए, ये माहौल बने ही पूरे मसाजिद में, जो नमाज के बाद कुछ डब्बे घुमाए जाते हैं तो लोग सड़े हुए फटे फटे नोट उसमें डालते हैं अल्लाह के घर, या तो जो फकीर को दान लेकर के रास्ते में चलते हुए जो 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये तो देखो कि सिक्के भरे पूरे फकीरों की वो सिक्का मसाले में नजर आता है। इन इंसान को इतना बेहतर नहीं, हम अल्लाह के घर में दे रहे हैं, अल्लाह के घर में जहां अगर 20 रुपया डाल दिया जाए तो अल्लाह 20,000 में तब्दील कर देता है। आज वो सोचते जो मार्केट में नहीं चलेंगे वो अल्लाह के घर में देंगे। बताइए तो अल्लाह तो आपके लिए को देख लिया कि आपके दिल में क्या फटक रहे, आप क्या सोच करके अल्लाह के घर में डाल रहे हैं। आपने अल्लाह के घर को इन भिखारियों से हकीम समझ लिया है क्या? अरे ये अल्लाह के घर है, आप नहीं भी दोगे तो बिखरने वाले नहीं, अल्लाह के घर अल्लाह संभाल लेगा, अल्लाह इसका एक टैंक जरिया बना देगा, मगर अल्लाह के वास्ते अल्लाह के घरों को विश्वास ना करो, अल्लाह के घरों को बदनाम ना करो, अल्लाह के घर की आबाद करने के लिए तन मन की बाजी लगा दो और भिखारियों की तरह सो यार या क्या बोलते फटे हुए लौट और सिक्कों को देकर के मजाक बनाया। इसलिए मैंने रखा मौजूद कि जो भी काम करो अल्लाह देख रहा है, क्या सोच के डाल दिए, आपकी नीयत क्या मैं नहीं जानता, इमाम साहब नहीं जानते, यहाँ के जिम्मेदार नहीं जानता, क्या सोच के हम आंखों में जानते क्या देने वाले दे रहे हैं, आपका दिल जानता है रब जानता है। अगर आप अच्छी नीयत से दे रहे हैं तो इंशाअल्लाह आपका बेकार नहीं होगा, सवाब आपको भरी भी मिलेगी। अगर आप हकीर समझ करके ये सोचते हैं यार बाजार में तो कोई ले रहा है कौन ना दिमाग का भेजा मारे जाऊंगा मस्जिद को दिमाग का देने घुमाते हैं डबले फटे हुए नोट डालते अपना संदेह जिम्मेदार अगर दिन पर डालेंगे कौन अपना अपना रिश्ते ऐसी अगर सोच अगर है तो अल्लाह के वास्ते संदेह को तोड़ दिया जाए। सिर्फ यहीं के लिए नहीं कर रहा मैं, पूरे इंडिया की बात करता, कहीं भी फिरो ये माहौल बने हुए हैं आपको नजर आएंगे। इसीलिए मेरे प्रॉफिट से रखा कि अल्लाह देख रहा वक्त की किल्लत है और ऐसे मौका पर ज्यादा लंबा बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सी छुट्टियां चल रही है बच्चों वगैरह की, इसमें अपने मौजूद में यहीं से बंद करता हूं, जो बाकी इंशाअल्लाह आने वाले जुमात के सामने रखा जाएगा। अल्लाह